हेलो एवरीवन तो एग्जाम इज ओवर हम्म कैसा लगा ऑनेस्टली बताओ पेपर हम्म hmm? पसीने छूट गए मेरी तो पहली फीलिंग यही थी कि सर मुड़वाते ही ओले पड़ गए भाई पेपर का जो पैटर्न यूपीएससी ने हाल फिलहाल इन कुछ सालों में लिया है वो वाकई में हम यूं कहें कि रैंडम पेपर बनता जा रहा है ठीक है और उसके रीजंस कई हैं मैंने तुम लोगों से हर बार ये बोला है कि कुछ इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूशंस uh, की करामात है जिन्होंने बहुत कॉमर्शलाइज कर दिया है कि इतनी सारी मैगजीन्स और इतने सारे टेस्ट और ये सारी चीजें कुछ ना कुछ तो हाथ हम लोगों का भी रहा है इसके पीछे ठीक क्योंकि अगर हम इसे कंपेयर करें अपने टाइम से इतना रेंडम पेपर नहीं आ जाता आप हिस्ट्री uh, के क्वेश्चंस देखो करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट इट इज क्वाइट एविडेंट कि इट इज नॉट देर इज अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ करंट करंट अफेयर्स बारिंग सेवन और एट कमिंग और नो डाउट कुछ कुछ अलग एरिया में करंट अफेयर्स की प्रेजेंस है कुछ क्यूज यूपीएससी ने करंट अफेयर से लिए हैं लेकिन जो वेरियंस है करंट अफेयर्स का दैट क्वाइट लार्ज आई वुड से स्पोर्ट्स के कुछ क्वेश्चन इस बार डाल दिए हैं बट ओवरऑल overall upsc wants to throw a challenge to everyone to students to institutes to everyone that you do whatever le aur hum bhi hame bhi aise hi jo hai mother of all examinations nahi kaha jata UPSC को इम्तिहान की माँ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि UPSC वाकई में unpredictable है ये तो हम लोगों को और आप लोगों को समझ जाना चाहिए अभी तक अब रही बात सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस पेपर का कट ऑफ कितना रहेगा राइट right? काफी लोग एंक्शियस हैं तो देखो देर इज नो रीजन टू बी क्वाइट एंशियस नाउ जो होना था दैट इज योर बेस्ट अगर तुमने दिया ये तुम्हें पता है राइट right? अगर तुमने अपना बेस्ट नहीं दिया है So you have to re-strategize. You have to again think that what you did not do that was required that you will do this year. And if you gave your best with respect to preparing the syllabus of the of this examination, then perhaps you have to think that whether it was some other factor which was responsible if you are not able to clear this exam, right?

इस बार अभी मैंने सीसेट का पेपर देखा नहीं है क्योंकि लास्ट ईयर कुछ लोग ऐसे थे जिनका जीएस में अच्छा स्कोर रहा है 110, 105, 125 इवन आई नो हंड्रेड टेन हंड्रेड फाइव अराउंड 135 बट दे कुड कुर सी सैट इट वाज क्वाइट अनफॉर्चुनेट तो अगर सी सैट का लेवल मॉडरेटली डिफिकल्ट रहता है तो हमें यह मान लेना चाहिए कि कट ऑफ राउंड नाइन्टी टू ही रहने वाला है और अब इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम अपने को मैच करो दो तीन स्टैंडर्ड कीज से और अगर सब में तुम्हारे अराउंड नाइंटी टच कर रहे हैं इफ यू आर फ्रॉम ओपन कैटेगरी देन यू कैन नॉर्मलाइज योर योर स्कोर विद रिस्पेक्ट टू लास्ट इन कट ऑफ तो अगर ओपन कैटेगरी में तुम्हारे अराउंड नाइंटी हैं और तीन चार क्वेश्चन डाउटफुल हैं तो एक दो दिन का ब्रेक लेने के बाद यू मस्ट स्टार्ट अ गुड प्रिपरेशन फॉर अपकमिंग मेन्स एग्जामिनेशन डोंट लीव एनी स्टोन अंटर क्योंकि मेन्स में अगर लास्ट ईयर के मार्किंग पैटर्न को एनालाइज की करोगे यूपीएससी के यू विल फाइंड दैट यूपीएससी इज ऑल्सो प्लेइंग ट्रिक्स अगेन टोस्टिंग दी मार्किंग पैटर्न वो एथिक्स है वो ऐसे है सब में मार्क्स रिड्यूस हुए हैं और जीएस पेपर जीएस के अदर पेपर्स में भी राइट नो डाउट आई वुड बी कमिंग फॉर विद अनदर वीडियो व्हाट यू हाउ यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज फॉर मेंस दैट विल अगेन बी अ वेरी शॉर्ट रेकोनर टाइप्स ऑफ बिकॉज आई डू नॉट बिलीव इन टू मच ऑफ यू कैन से नो क्रिएटिंग अ डिपेंडेंसी सिंड्रोम तो मैं सिर्फ तुम्हें एक कहो तो ढांचा दूंगा एक स्ट्रक्चर दूंगा जिसमें तुम्हें अपने आप को ढालना है और लास्ट में सिर्फ यही कहूंगा कि अब यूपीएससी में अगर तुम्हारा ड्रीम है कि यू वांट टू बिकम एन आईएएस तो तुम्हें अपने आप को तपाना हो एक मशहूर पंक्तियां हैं कि पत्थर जब अपने आप को पहले पत्थर अपने आप को पत्थर करता है तभी जाकर कुछ कारीगर करता है कि पहले तुम्हें अपने आप को उस तपिश में उस तपन में तपाना होगा जिससे कि हम उस लायक बन सके कि हम आई बन सकें राइट इट इज नॉट केक वॉक योर इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ योर नर्व विद योर अकेडमिक अचीवमेंट राइट एंड ऑल्सो योर अकेडमिक स्टेमिना एज आई video. The main message was that anybody and everybody who is touching around 90 with three, four doubtful questions, as is the case every year, must start a sincere preparation for the upcoming mains examination 2021. This is all for now. Bye bye.